हेलो दोस्तों, फिर से हम आ गए हैं एक और खूबसूरत एवरग्रीन पौधे की जानकारी लेकर। ये देखिए, आप ये जो पौधा देख रहे हैं, ये एक पत्थर चट्टा की ही फैमिली का पौधा है। इसके पत्ते देखिए, इतने लंबे पत्ते होते हैं इसके, और जिस तरह से पत्थर चट्टा में पत्ते के ये कोने जो बने हुए हैं, यहाँ से जिस तरह से नए नए पौधे निकलते हैं, उसी तरह से इसमें भी नए नए पौधे निकलते रहते हैं। और बरसात के मौसम में इसमें से बीच में से एक स्टिक निकलती है, और उसमें घंटी की आकृति के बहुत सारे फूल खिलते हैं, जो कि लगभग 8-10 दिन तक लगातार खिले हुए रहते हैं, और बहुत ही खूबसूरत लगता है। देखिए ये पौधा कितना खूबसूरत पौधा लगेगा आपको, और इसका कई सारे नाम है। इसे पनखुटी भी कहा जाता है, और बड़ा पत्थर चट्टा भी कहा जाता है, और इसके अलावा इसे जख्मे हयात भी कहा जाता है, पत्थर चट भी कहा जाता है, पत्थर चट्टा भी कहा जाता है, कई नामों से इसको जानते हैं। एक्चुअली जो पत्थर चट्टा जो होता है, वो छोटे पत्तियों वाला ये वाला पत्थर चट्टा इसको कहते हैं, लेकिन ये जो है लंबा, इसकी पत्तियां बहुत लंबी होती हैं देखिए। और एक बार आप आपके गार्डन में या आप गमले में लगा देंगे, देखिए कितना छोटे से पॉट के अंदर मैंने इसको लगा रखा है, और ये इसे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं, छोटे से गमले में इसको लगा रखा है। आप इसको आसानी से छोटे से पॉट में लगा सकते हैं अगर आपके पास जगह नहीं है तो। अगर आप इसे छोटे छोटे गमलों में 8-10 पौधे भी लगा देंगे तो आपके घर की खूबसूरती बहुत ज़्यादा अच्छी बढ़ जाती है, और इसे भी पथरी में भी काम में लिया जाता है, तो ये आपके घर को खूबसूरत तो बनाएगा ही, इसके अलावा आपके स्वास्थ्य को भी अच्छा बना सकता है ये पौधा। पत्थर चट्टा की ही तरह इसका भी उपयोग किया जाता है, जिस तरह से पथरी में हम काम में लेते हैं इसे, उसी तरह से इसे भी पत्थर चट्टा की तरह काम में लिया जा सकता है। पथरी को ये तोड़ देता है, और यूरिन के साथ उसे पथरी को शरीर से बाहर निकाल देता है। और इसके अलावा देखिए, इसकी खूबसूरती इसकी देखते ही बनती है। इसे आप चाहे कोई सा भी महीना हो, कोई सा भी समय हो, चाहे बरसात का मौसम हो, चाहे बहुत तेज तीखी गर्मी का मौसम हो, धूप हो तीखी, उसमें भी सरवाइव कर जाता है। चाहे कितनी भी ठंड पड़ रही हो, कितनी भी ठंड का मौसम हो, उसमें भी ये पौधा अच्छे से सरवाइव करता है, और हर मौसम में ये अच्छे से ये पौधा चलता है, अच्छे से इसे कोई दिक्कत नहीं होती, और हमारे घर की खूबसूरती को बढ़ाता है। ये देखिए, मैं आपको पास में दिखाऊं इसके पत्ते, ये मेरा हाथ और ये पत्ता देखिए, ये इसकी इतनी बड़ी साइज होती है, इस तरह से इसके पत्ते होते हैं, और बहुत ही खूबसूरत लगता है। और एक पौधा आपने अगर आपके घर में लगा दिया तो एक से बहुत सारे पौधे इसके बना लेता है। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि बच्चा देने वाला प्लांट है। ये इसके जो कोने हैं, यहाँ से नए नए पप्स इसके निकलते रहते हैं, छोटे छोटे इसके नए नए पौधे इसमें से निकलते रहते हैं। ये लगभग मेरे पास 15-20 पौधे इसके लगे हुए हैं, और इसकी बिल्कुल भी किसी भी तरह की कोई भी केयर नहीं है। ये नो मेंटेनेंस प्लांट है, बस इसको आप जब दूसरे पौधों में पानी देते हैं तब उसमें आप इसमें भी पानी दे दीजिए, बस यही इसकी केयर है। इसके अलावा इसकी स्पेशल कोई केयर नहीं, आप इसे चाहे किसी भी तरह की मिट्टी में लगा सकते हैं, ये अच्छे से सरवाइव हो सकता है। अगर आप इसे मेडिसिनल पर्पस से, अगर आयुर्वेदिक उपयोग के लिए, अगर पत्थर चट्टा का की तरह इसका उपयोग करने के लिए, पथरी में इसका उपयोग करने के लिए अगर आप इसको आपके घर में लगाए हैं, तो उसमें आप केमिकल फर्टिलाइजर नहीं दीजिए, क्योंकि अगर आप इसमें केमिकल फर्टिलाइजर देंगे तो, क्योंकि अगर हम इसका यूज करेंगे, हम इसको खाएंगे पत्तों को, तो वो केमिकल सारा हमारे शरीर के अंदर भी जाएगा। इसलिए अगर आप इसे केमिकल का फर्टिलाइजर तभी दें जब इसको आप खाने में उपयोग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपकी घर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए आप उसको उपयोग कर रहे हैं, तब दे सकते हैं। और वैसे इसे किसी तरह की फर्टिलाइजर खाद की जरूरत नहीं होती। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो वो दे सकते हैं, इसके अलावा आपके पास अगर काउडंग कंपोस्ट है तो वो दे सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट कहते हैं जो केचुए की बनी हुई खाद होती है, उसे वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है, और काउडंग कंपोस्ट का मतलब है गाय के जो गोबर से जो डीकम्पोज गोबर जो होता है उसे सड़ा के जो खाद बनाई जाती है उसे कहते हैं काउडंग कंपोस्ट, यानी गाय के गोबर से बनी हुई खाद।
ये दोनों खाद हर तरह के पौधे के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। लेकिन अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर भी देते हैं तो आप इसे खाने में उपयोग नहीं करें, क्योंकि वो केमिकल आपके शरीर के अंदर तो जाएगा ही। आप अगर इसे औषधि के रूप में उपयोग करते हैं तो इसमें आप गाय का गोबर से बनी हुई खाद या जो केंचुए की बनी हुई खाद है उसी का इसमें उपयोग करें। इसके अलावा देखिए, बहुत ही प्यारा पौधा लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये एवरग्रीन है, 12 महीने इसी तरह से खिला हुआ, इसी तरह से खूबसूरत रहता है। इसमें ऐसा नहीं है कि अगर गर्मियों का मौसम है तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, या सर्दियों का ज़्यादा सर्दियाँ पड़ रही हैं तो ये नहीं कर पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके लिए चाहे कोई सा भी मौसम हो, इसके लिए सारे मौसम एक जैसे हैं, और सभी मौसम में ये इसी तरह से हरा भरा ग्रीन, बिल्कुल बहुत ही प्यारा, गुड लुकिंग, बहुत अच्छा प्यारा पौधा लगता है और ऐसा ही रहता है हमेशा। इसमें कभी किसी तरह की कोई डिसीज नहीं आती, कोई कीड़े वगैरह नहीं लगते, कोई कीड़े मकोड़े वगैरह इसमें कोई भी नहीं लगते हैं इसमें। और इसीलिए इस पे किसी तरह के पेस्टिसाइड का भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस पे कोई, अगर कोई लगता ही नहीं है, कोई कीड़ा वगैरह कोई लगता ही नहीं है इस पे इंसेक्ट, तो हमें पेस्टिसाइड की स्प्रे करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बिल्कुल ही ये नो मेंटेनेंस प्लांट है। आपके पास थोड़ी सी मिट्टी है और आप इसके एक दो दिन में पानी देते रहिए, बस यही इसकी मेंटेनेंस है। इसके अलावा ना ही इसकी कोई स्पेशल मिट्टी की रिक्वायरमेंट होती है, ना ही कोई स्पेशल आपको इसके खाद की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ भी नहीं है। बस आप इसे अगर इंडोर रखें तो भी अच्छे से चल जाएगा, अगर इसको आप आउटडोर रखते हैं तो भी अच्छे से चल सकता है। इसमें इसको आप इंडोर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और आउटडोर प्लांट की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसे कहीं भी लगा सकते हैं। देखिए, छोटे से गमले में मैंने इसको लगा रखा है, बिल्कुल ये छोटा सा पॉट है मेरे पास, इसमें मैंने इसको लगाया हुआ है। तो आसानी से इसे आप, आपके घर में अगर जगह नहीं है, लॉन नहीं है, गार्डन नहीं है और बड़े गमले भी नहीं है आपके पास, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे छोटे से जो गमले हैं उसमें लगा सकते हैं। और अगर छोटे गमले भी आपके पास अगर नहीं हो तो जो बोतल होती है पानी की, जो मिनरल वाटर वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की बोतल वगैरह होती हैं, उन्हें भी आप हाफ कट करके उसके नीचे ड्रेनेज होल बना के आप उसमें भी इसे लगा सकते हैं, उसमें भी आराम से बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाता है। तो इसीलिए इसकी कोई मेंटेनेंस नहीं है। आप अगर ऑफिस में बिजी रहते हैं, आपके जॉब पे बिजी रहते हैं, आपके बिजनेस में बिजी रहते हैं और आपको गार्डनिंग का शौक भी है, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा पौधा है, बहुत ही नो मेंटेनेंस वाला पौधा है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा केयर करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपकी गार्डनिंग का शौक भी पूरा हो जाएगा इससे, और आपको इसकी चिंता करने की भी जरूरत नहीं रहेगी कि इसका खाद पानी वगैरह, क्योंकि सिर्फ इसे पानी देते रहिए आप, एक दो दिन में पानी दे दीजिए तो ये काफ़ी है। और अगर सर्दियों का मौसम है और अगर आपने इसे इंडोर रखा हुआ है या सेमी शेड में रखा हुआ है तो इसको आप अगर 10 दिन में भी एक बार पानी देते हैं फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अच्छे से सर्वाइव करता है और बहुत ही प्यारा पौधा है। तो मेरे जितने भी भाई बहन हैं जो गार्डनिंग के शौकीन हैं, जिन्हें पेड़ पौधों से प्यार है, प्रकृति से प्यार है, वो इसे अपने घर में जरूर रखते हैं। और आप भी अगर इस पौधे के बारे में नहीं जानते हैं और आप पहली बार देख रहे हैं इस पौधे को, तो आप भी अपने घर में इस पौधे को जरूर लगाइए। इसे बड़े पत्थर चट्टे के नाम से आप किसी भी नर्सरी से खरीद सकते हैं, और एक बार आपने इसका अगर खरीद के ले आए, एक पौधा ले आए, तो इससे आप हजारों पौधे बना सकते हैं। ये जो इसके देख रहे हैं आप, ये जितने जगह से इसके ये कोने दिख रहे हैं ना, ये सारे कट, यहाँ से हर कोने में से एक पौधा इस निकलता है। बस इसको करना कुछ भी नहीं, यहाँ से पत्ती को तोड़ना है और मिट्टी में इसको दबा देना है। अगर ये एक पौधा है, ये मान लीजिए इसमें अगर ये 50 कट लगे हुए हैं, तो इसी एक पत्ती से 50 पौधे आपके लिए नए तैयार हो जाएंगे। और इसके लिए कोई खाद पानी की कोई विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा पानी दे दीजिए और नए पौधे आराम से बन जाते हैं। और अगर आपने अगर इसको 1 महीने तक पानी नहीं भी दिया तो फिर भी नहीं सूखता है ये सर्दियों के मौसम में तो, और गर्मियों के मौसम में आप इसे पानी देना भूल गए, अगर 7-8 दिन बाद भी पानी दे रहे हैं फिर भी ये हरा भरा रहता है, फिर भी इसमें ये मुरझाता नहीं है। इसीलिए ये हर गार्डनिंग लवर के लिए ये बहुत ही उपयुक्त और बहुत ही अच्छा पौधा है, और ये हमेशा ग्रीन रहता है।
आप भले ही कितने भी स्ट्रेस में हो, कितनी भी टेंशन में हो, आप इसे देखिए। इसे देखते ही, इसकी खूबसूरती देखते ही आपकी बहुत सारी परेशानियाँ आप भूल जाएंगे और आप इसी में खो सकते हैं। देखिए इतना प्यारा पौधा लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी कोई केयर नहीं होती, कोई केयर की ज़रूरत नहीं है। आप इसे इंडोर लगा लीजिए, आउटडोर लगा लीजिए, जैसे चाहे लगा लीजिए। ये आपकी घर की खूबसूरती को बढ़ा देता है। और ये मुझे एक ये पौधा गिफ्ट किया था ग्वालियर से, आशा जी जैन है, उन्होंने मुझे ये पौधा एक गिफ्ट किया था, छोटा सा पौधा था। उस पौधे से आज मेरे पास 8-10 पौधे बने हुए हैं, और भी कई सारे छोटे छोटे पॉप्स इसके हर गमले में मेरे निकल रहे हैं। लेकिन मेरे पास ये इस पौधे को मैंने एक पौधे को इसके अंदर लगा रखा है, बाकी सारे पौधे मेरे लगभग एक बड़े पॉट के अंदर ही लगे हुए हैं। तो बहुत ही खूबसूरत लगता है वो मेरे नीचे के जो लॉन है, उस गार्डन है, उसमें मेरे एक बड़ा गमला रखा हुआ है, उसके अंदर लगाए हुए है। और ये एक छोटे पौधे को मैंने आपको दिखाने के लिए ये इसके अंदर लगा रखा है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। ये आयुर्वेदिक उपयोग के लिए भी ही, आपके स्वास्थ्य के लिए भी, पथरी की जो बीमारी है उसमें भी आप इसको उपयोग कर सकते हैं। और आपके घर को खूबसूरत बनाने के लिए, आपके घर को सजाने के लिए, आपके घर की सजावट को, घर की शोभा को बढ़ाने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आप जरूर अपने घर में इसे जगा दें, जरूर अपने घर में लगाएं। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को, सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब मैं जरूर दूंगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे कोई भी वीडियो अगर मैं अपलोड करता हूँ तो उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।